जय हिंद आप सभी को। मैं हूँ ऑल इंडिया साइकिल राइडर BS यात्री और मैं कर रहा हूँ संपूर्ण भारत की यात्रा दोस्तों अपनी साइकिल से। साइकिल हमारा जस्ट नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी साइकिल है और कुछ ऐसा वे वेदर है। अभी मैं हूँ इस टाइम पे नागालैंड के कैपिटल कोहिमा में और आज के वीडियो का शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कोहिमा से और उम्मीद करूंगा कि आप लोग को हमारा भारत जर्नी काफी पसंद आ रहा होगा। देख सकते हैं कुछ ऐसा भैया कोहिमा का दृश्य है, काफी खूबसूरत भैया पहाड़ों पे घर बना हुआ है और काफी नाइट में ना भाई साहब कितना खूबसूरत व्यू आ रहा था, इतना ज्यादा ना कि पूछो जी। ऊपर से देख सकते हैं बादल भैया छाया हुआ है, इसका एक अलग ही रोब है भैया बादल का ना। रात भर भैया बारिश हुआ है और काफी परेशान में था, मतलब कैसे कैसे रात कटा मुझे पता है, उसका वीडियो आ जाएगा आई बटन में, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो मिल जाएंगे। और साइकिल का भी लास्ट में यहाँ पे भाई साहब क्या देख रहे हो साइकिल में यहाँ पे साइकिल खड़ा करके। अभी हम लोग इस पेट्रोल पंप पे आए थे और गए थे फ्रेश वगैरह होने के लिए, क्योंकि ज्यादातर मैं फ्रेश वगैरह होने के लिए पेट्रोल पंप को ही चुनता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना फ्री में हो जाता है, पानी वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो इसलिए पेट्रोल पंप आया था। अभी यहाँ से निकल के अभी जाएंगे हम लोग नागालैंड का स्टेट म्यूजियम घूमने के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करेगा, आप लोगों को पूरा नागालैंड के बारे में जानकारी मिल जाएगा। स्टेट म्यूजियम में यही फायदा होता है घूमने से कि आपको पूरा जो भी नागालैंड के बारे में जानकारी लेना होगा वहाँ से मिल जाता है। और ऐसा दृश्य का भैया आज काफी खूबसूरत व्यू लग रहा है ना, अब मौसम काफी ठंडा लग रहा है और यहाँ पे साइकिल खड़ा करके भैया लोग भी देख रहे थे काफी से, अभी नहीं कोई देख रहा कि मैं उसका रिएक्शन वीडियो शूट करूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, जैसे लेके प्रभु के नाम बोलो जय श्री राम। सो भैया हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते पर लग चुका है जाम, देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी वगैरह रुक चुका है और ये जाम में ना हम लोग जा भी नहीं सकते क्योंकि आगे पूरा ब्लॉक है। और ये देखो भैया पहाड़ से कैसे कोहरा निकल रहा है, नीचे से पूरा फॉग, बाप रे बाप, गजब का मौसम सुहाना हुआ है भाई साहब बहुत। सो गाइस अभी कैसे नजर है भाई साहब कि अभी मैं उस पॉइंट पर आ चुका हूँ जिसको सारे लोग विजिट करते हैं, देख सकते हैं आई लव कोहिमा का ये सेल्फी पॉइंट लगा है, इसी के सामने मैं अपना साइकिल चढ़ा के आऊँ। और कुछ ऐसा चौराहा है जो कि अभी मौसम काफी अच्छा हो चुका है, देख सकते हैं बस केवल एक घंटा पहले ना पूरा बारिश बारिश पूरा फोगी फोगी था लेकिन अभी नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं आईटीओ वाले भाई साहब पूरा एकदम लगातार ड्यूटी मतलब लगातार कर रहे हैं भैया, बहुत ही ज्यादा ये चौराहा मतलब क्या रस वाला चौराहा, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहता है भाई साहब। और ऊपर साइड में कुछ घूमने वाला है, जाते हैं ऊपर भी घूमने के लिए, हालांकि अभी जाना है हम लोग को यहाँ का जो नागालैंड स्टेट म्यूजियम है वहाँ पर भी विजिट करना है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर भी। ठीक है कुछ ऐसा देख सकते हैं सिटी का माहौल है और काफ़ी अच्छा है ना वेदर, और नागालैंड भाई साहब इधर से निकल जाते हैं, बहुत ट्रैफिक है यार, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर। एक्चुअली पूरा पहाड़ पे बसा हुआ है ये शहर तो रास्ता का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही होगा, है कि नहीं। ये नागालैंड का खूबसूरत व्यू देख लो कितना अच्छा लग रहा है ना बहुत बहुत आकर्षक व्यू यार, कितना सुंदर नज़ारा। और ये नागालैंड सिटी भैया कोहिमा सिटी कितना खूबसूरत लग रहा है ना यार, फैन हो चुका हूँ कसम से बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब हसीन वादियाँ हैं मेरे भाई, गजब हसीन वादियाँ देख सकते हो यार नेचुरल ब्यूटी यार नेचुरल ब्यूटी। सो गाइस अभी का सीन ऐसा है, थोड़ा सा चश्मा पहन लें, थोड़ा सा हैंडसम दिखाई देते हैं चश्मे में भाई साहब। अभी मैं प्रॉपर रूप से आ चुका हूँ स्टेट म्यूजियम में जो कि आपका है कोहिमा में, नागालैंड का कैपिटल कोहिमा में। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आते ही आते हमें इनका दर्शन हुआ, मन तो कर रहा है ऐसे भाजने का लेकिन सही रहते थे हम यहाँ से नौ कुछ दूर भाग जाते भैया जब भी सही में रहता, तो लेकिन काफ़ी बहुत बढ़िया बनाया गया है, फील छूने पे फील हो रहा है कि नहीं भैया वाकई में है मजबूती। इधर आइए आप लोग को कुछ और भी दिखाते हैं, आइए ये जो है भैया ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नॉर्मल चीज नहीं है, ठीक है मैं गया था थोड़ा सा पास में आ जाइए कैमरा वाले भाई साहब थोड़ा सा पास में आ जाइए, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो चीज़ है हम मोन विलेज गए थे नागालैंड का मोन विलेज और वहाँ से लुंगवा गए थे, लुंगवा जो कि आधा म्यांमार आधा इंडिया में अपना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है भाई साहब। मैं वहाँ पर भी नहीं जा रहा क्योंकि मैं साइकिलिंग से आया हूँ और उधर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ट्रैवल जैसा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। उस समय पर ये भाई साहब बता रहे थे कि ये बाजा है जो डंका आवाज़ करता है ना, हम लोग के साइड में जो बाजा बजाते हैं वो ऐसा ही, ये भी है इसमें दो राड इतने बड़े बड़े लकड़ आते हैं बहुत बड़ा बड़ा और उस पर ऐसे ऐसे पीटा जाता है, जब पीटने पे इसमें से आवाज़ निकलता है और बहुत तगड़ा आवाज़ दिखाई, बहुत तगड़ा आवाज़, मैं गलत ना हूँ तो, क्योंकि मैं थोड़ा मुझे याद है कि वही बता रहे थे कि इस पर बाजा जैसे बजाते हैं दम 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 वो वाली साउंड इसमें से निकल का आता, वो भी बहुत प्यारा साउंड निकलता था। ये हालांकि बहुत पुरान है और ये जो लकड़ी है ये काफ़ी लकड़ी मजबूत है, ठीक है थोड़ा सा आप और इधर आइए, ये भी देख सकते हैं एक और इधर एक और है,
ये ज्यादातर लोग उस वे पे यूज करते थे जब उनका कोई फेस्टिवल होता था तब जाके ये लोग यूज करते थे और इसपे बाजा वगैरह बजाते थे। इस पे कोहिमा भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है कोहिमा, शायद दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यही है अभी यहाँ का। अभी चलेंगे हम आप लोग को अंदर भी घुमाने, जो म्यूजियम का अंदर है क्या सीन है वहाँ का वो भी दिखाएंगे आप लोग को। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यार कि नागालैंड आ चुके हैं साइकिल लेके, 21 राज भी हो चुका है हमारा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नागालैंड का कुछ ऐसा सिटी है जो बसाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ों पर पूरा बसा हुआ सिटी। यहाँ पे जब नाइट में ना, जो नाइट में हम लोग आए थे, हालांकि नाइट में तो काफ़ी बारिश हो रहा था, कैसे कैसे अपना रात गुजरा मुझे पता है। रात को मैं सच बता रहा हूँ कसम से अब तक मैं मुँह तक नहीं धुला हूँ, यहाँ पर बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रही थी भाई साहब। ये जो नाइट में ना सबके घर से जो बत्तियाँ जल रही थी, लाइट जल रहा था ना, काफ़ी व्यू भाई साहब तगड़ा वाला, मज़ा आ जा रहा था। तो बिना लेट किए हुए चलते हम लोग म्यूजियम के अंदर, देखते हैं क्या चार्ज वगैरह लगता है कि फ्री में मिल जाता है एंट्री। तो ये आपका स्टेट म्यूजियम नागालैंड का, देखिए स्वागत कैसे होता है। देखो ये खोपड़ी से किसी जानवर का। अब यहाँ से टिकट लेते हैं, 10 रुपया है पर पर्सन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का भी आई थिंक 50 रुपये, यहाँ पर फोटोग्राफी का भाई यहाँ से भी टिकट मिला है भैया से, ये सब कुछ टिकट है। और हाँ, फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए आपको 50 रुपये अलग से पेड करना पड़ता है। सबसे पहले म्यूजियम घुसते समय आपका कुछ ऐसा एक देख सकते हैं, कुछ ऐसा भैया दिखाई देते हैं, ये मनुष्य। ठीक है, और इनका ऐसा पहनावा था, पहले के लोग ऐसा पहनावा करते थे, नेचुरल ये कल्चर है यहाँ का नागालैंड का। ठीक है, और ये देखो कुछ ऐसा पोशाक है। मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ जो देख रहे हैं आप लोग को, शायद मैं बताया था ना कि ये चीज़ बजाने वाला है, शायद पीछे आपने देखा था, वो परफेक्ट सच में मुझे याद था। ये देखिए बजा रहे हैं भाई साहब, ये देखो पहले के लोग यहाँ पे कैसे रहते थे नागालैंड के लोग, ऐसा कुछ पहनावा था। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसा बदला, फिर धीरे धीरे ऐसा बदला, फिर ऐसा बदला, देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन था, है ना। और यहाँ पे पहले घुसते, यार बहुत कुछ है म्यूजियम में तो भाई साहब। ये देखो, हेलो मैम, एक्सक्यूज मी मैम, फोटो ले प्लीज। अरे वाह, कितना अच्छा, अब तक का सबसे अच्छा चीज़ मुझे मिल गया देखने को भाई साहब। ये देखो जितने नागालैंड में ना जो भी क्या कहते हैं जिला है, ठीक है, उसका मतलब यहाँ पर बनाया गया, देख सकते हैं यहाँ पे हमें हम मोन गए थे कि लास्ट में सबसे मोन, यहाँ पे मोन दिखाई दे रहा होगा। और ये जो दिखाई दे रहा भैया, ये राजा का घर है, ये वाला चीज़ ये राजा का घर है, आधा आपका म्यांमार में पड़ता है और आधा अपना इंडिया में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया हूँ, ये वाले पॉइंट पे मैं गया हूँ दोस्तों, सबसे लास्ट नागालैंड का, अब इससे बाद आपका म्यांमार आ जाता है। ठीक है, तो मैं वहाँ तक भी गया हूँ और ये भी, इसमें भी बहुत सारे जगह पर गया हूँ मैं, कोहिमा ये दोबारा आ रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
सो गाइस अभी हम जो पॉइंट पर बैठे हुए हैं काफ़ी यहाँ से खूबसूरत व्यू शायद दिखाई दे रहा होगा आप लोग को भी, ये पूरा कोहिमा का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, क्या ही करें, अच्छा फील होता है ऐसे इंजॉय करना पहाड़ों में विदाउट मनी ट्रेवल करना, बाईसाइकिल ट्रेवल करना, अपने आप को भी फिट रखना और लोगों को भी दिखाना कि हम फिट हैं, आप भी फिट रहिए, साइकिलिंग करिए और विदाउट मनी जो ट्रेवलिंग कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाइए। और मेरा जो मोटिव है सेफ ट्री सेफ वाटर पर्यावरण संरक्षण से लेके जो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, ऐसा लगता है सच में कसम से बता रहा हूँ कि लोग उस पर काफ़ी एक्टिव है, तभी मैं यहाँ तक आया हूँ, नहीं तो नहीं आ पाता। और यहाँ से कितना ज़्यादा अच्छा खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है। अभी मैं हूँ इस टाइम पे कोहिमा के नागालैंड के कैपिटल में जो कि है कोहिमा, और बस ये वीडियो करते हैं पेंट। उम्मीद करूँगा कि आप लोग को हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे पेज को भी फॉलो करिए। मिलते हैं दोस्तों कुछ न्यू अपडेट के साथ कुछ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, अपना ध्यान ख्याल रखें और हमारा वीडियो प्लीज़ देखें। बाय बाय।